व्यूअर्स, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे फ्राइट नाइट इवेंट के बारे में। ये इवेंट बहुत सारे इवेंट के जैसा ही है जो हम पहले खेल चुके हैं, इसमें जस्ट थोड़े बहुत एडिशंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हैलोवीन स्टैचू शो, आप एक और पार्टनर के साथ पेयर कर सकते हैं ये स्टैचू कम्प्लीट करने के लिए। जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होगा आपको सर्टन रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जब आपके चारों स्टैचू कम्प्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सर्वाइवर फाइल्स भी हैं। सर्वाइवर्स के अंदर एक पॉइंट मैं नोट करना चाहूंगा कि इवेंचुअली आपको मोर देन 10 फ्रेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी सर्वाइवर्स को अपग्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 से 10 जाने के लिए 15 चाहिए 10 की बजाय। सो सिंस यहाँ पे बहुत सारे 250 लेवल्स हैं तो ये एकदम सर्टेन सी बात है कि इवेंचुअली ये लोग चॉइस बॉक्सेस ऐड करेंगे सर्वाइवर्स के लिए। सो जस्ट कीप अ नोट ऑन दैट। तो ये तो हुआ स्टैचू। नेक्स्ट है आपका स्पूकी स्टोर। ये यूजुअली मर्जर इवेंट्स के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा स्लग इवेंट चल रहा है, इसके अंदर आप यहाँ पे स्टोर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ही स्टोर है। तो ये एक न्यू एडिशन है इस इवेंट के अंदर। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक स्किन है पम्पकिन मेंशन। ये एक एक्चुअली अच्छी स्किन है, मेरे पास ऑलरेडी है ये पिछले इवेंट के थ्रू। और यूजुअली ये लोग स्किन्स रिपीट नहीं करते, बट ये एक्चुअली में यूजफुल स्किन है बिकॉज ये आपको गैदरिंग स्पीड देती है 5%। आप किसी भी साइज के प्लेयर हो गैदरिंग सब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गैदरिंग एक्चुअली इस गेम में। सो अगर आपका यहाँ पे गैदरिंग बफ मैक्स आउट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अभी 25 है, 30 मैक्स है, तो 30 के बाद मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और एडिशनल बफ की बिकॉज वो स्टैक नहीं होगा, बट अप टू 30 सब स्टैक होगा। सो ये एक यूजफुल स्किन है जो आप ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आती है बारी कार्विंग फन फेस्ट की। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे दो स्किन्स हैं। पहली तो ये वाली स्किन यूजुअली लाइक दिखने में अच्छी है बट इसके बफ उतने खास नहीं है। ये न्यू प्लेयर्स के लिए मे बी थोड़ी यूजफुल होगी बट यूजुअली इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपको स्किन पसंद है दिखने में अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। प्लस ये वाले रिवॉर्ड भी उतने ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बट जो सेकंड वाली जो रो है ये आप ज़रूर ले सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 7000 जेम्स स्पेंड कीजिए बिकॉज यहाँ पे आपको 7000 जेम्स वापस मिल जाएंगे एंड ये वाले सारे रिवॉर्ड्स प्रैक्टिकली फ्री हैं। सो डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है ये वाली रो। नेक्स्ट आती है बारी थर्ड स्किन की, जो कि रैंकिंग स्किन है फ्रैंकेंस्टाइन। दिखने में बहुत अच्छी स्किन है एंड बफ भी बहुत अच्छे हैं इसके। तो अगर आप ये वाली स्किन ले सकते हैं ज़रूर लीजिए। द प्रॉब्लम इसकी ये बहुत एक्सपेंसिव स्किन रहेगी बिकॉज लोग टॉप 10 में आने के लिए बहुत स्पेंड करते हैं, क्योंकि टॉप 10 वालों को ये स्किन परमानेंटली मिलती है। तो अगर आप टॉप 10 में आ सकते हैं, आप स्पेंड कर सकते हैं, तो ये स्किन वर्थ इट है। अदरवाइज पर्सनली मैं तो ये स्किन के लिए स्पेंड नहीं करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इवेंट बाकी सब इवेंट जैसा ही है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आप मुझसे गेम में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ हम यह वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।